हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे पास पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर, दाद खाज खुजली को ठीक करने का कोई एक प्राचीन औषधियों के बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आज हम आपके लिए बिल्कुल औषधि नुस्खा लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे चीज़ों का प्रयोग करेंगे जिसमें एंटी फंगल और एंटी इरिटेटिंग तत्व, यानी कि आपके दाद खाज खुजली को दूर करने की भरपूर क्षमता या अद्भुत क्षमता पाई जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, दाद खाज खुजली के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा है जिस एरिया पर जहां धूप नहीं लगती है वहां पर हमेशा कपड़े से ढका हुआ होता है, पसीना आने के कारण दाद खाज खुजली हो सकता है। नमी जहाँ पर होगी वहाँ पर दाद खाज खुजली हो सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं दाद खाज खुजली एक फंगल इन्फेक्शन होता है, तो अगर आपके दोस्त को ये बीमारी हो चुकी है तो आपको भी होने के बहुत सारे चांस हो सकते हैं। तो इसलिए किसी भी दूसरे व्यक्ति का टॉवेल इस्तेमाल ना करें, साबुन भी इस्तेमाल करें तो सिर्फ और सिर्फ अपना साबुन लगाएं। और दोस्तों, जहाँ पर दाद खाज खुजली हुआ है वहाँ पर आपको साबुन का इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं या दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको रेगुलर नए नए वीडियो मिलते रहते हैं। और दोस्तों, बाजू में बने घंटे को भी दबा दें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर पहला चीज लेना होगा, ये तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते में अद्भुत गुण होते हैं, इसमें एंटी फंगल एंटी इरिटेटिंग तत्व भरपूर मात्रा में होता है। और तुलसी का पत्ता आपको भारत में कहीं पर भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तुलसी के पत्ते का प्रयोग बहुत सारे रेमेडी में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप घाव पर भी कर सकते हैं, जलन पर भी कर सकते हैं, और यह आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो आपको यहाँ पर लेना है कम से कम इसके 10 से 12 ये कच्चा पत्ते को। और आप क्या करेंगे दोस्तों, इसे बारीक पीस लेंगे। तो हमने इसे पहले से पीस करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा ये 1 चम्मच की मात्रा में तुलसी के पत्ते का पेस्ट, और आपको यहाँ पर डालना होगा लेमन यानी कि नींबू। हम दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे चीज़ों को मिलाने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है और एंटी फंगल तत्व होता है। तो आप यहाँ पर डाल लेंगे दोस्तों 1 चम्मच की मात्रा में ये नींबू का रस। इसके बीज को आप निकाल देंगे। और दोस्तों, हम यहाँ पर इसमें तीसरा चीज लेंगे, थोड़ी सी मात्रा में ये हल्दी पाउडर। दाद खाज खुजली को दूर करने में हल्दी का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि दोस्तों हल्दी में एंटीबायोटिक और एंटी इरिटेटिंग तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो आप यहाँ पर डाल लेंगे इतनी मात्रा में हल्दी पाउडर। इसके बाद आप यहाँ पर डाल लें दोस्तों थोड़ी सी मात्रा में एलोवेरा का जेल। चूँकि दोस्तों हमने इसमें नींबू का प्रयोग किया है तो जलन हो सकती है, लेकिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको जलन नहीं होती है। तो इतनी मात्रा में आप यहाँ पर एलोवेरा का जेल ले लेंगे और आप इन सभी चीज़ों को मिला दें। इस सब के स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होता है और आपके दाद खाज खुजली को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद उपाय है। तो इसे लगाने के लिए आप रुई का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जहाँ पर दाद खाज खुजली हुआ है उस अंग को साफ पानी से धो लेंगे और कपड़े से उसे पोंछ लेंगे और फिर एक रुई की सहायता से इसे लेकर के वहाँ पर लगाएंगे। लगाने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे तक इसे वहाँ पर लगा कर रखें और उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। इसका इस्तेमाल नियमित रूप से सुबह और शाम करते हैं तो लगभग 5 से 7 दिनों में आपके दाद खाज खुजली दूर हो जाएंगे। बहुत ही कारगर नुस्खा है और बहुत ही